मेट्रो विश्व की सर्वश्रेष्ठ मेट्रो बन गई है। इस मेट्रो की डिजाइन उत्तम है। महामेट्रो के ब्रजेश दीक्षित ने बेहतरीन नेतृत्व का परिचय देते हुए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर महामेट्रो के प्रकल्प को कम लागत में पूरा किया है। यह प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। वरिष्ठ पत्रकार सरिता कौशिक लिखित पुस्तक बेटर ऑन द ड्रीम के विमोचन अवसर पर प्लस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में वे बोल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाद अपारजित, सुनील तिवारी, गजानन निमदेव, प्रदीप मैत्र, महामेट्रो के व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश दीक्षित आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। महामेट्रो प्रकल्प में तकनीक के उपयोग की विस्तृत जानकारी देते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि फुटाला में भी म्यूजिकल फाउंटेन को लेकर बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। यह 4000 लोगों के बैठने के लिए गैलरी की व्यवस्था व प्रकल्प पूर्ण करने के लिए 300 करोड़ निधि उपलब्ध कराने की जानकारी उन्होंने दी। तेलंगखेड़ी उद्यान में गुलाब के पौधे लगाने, यहां 3000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था आदि पर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को 2 वर्ष में पूर्ण किए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने खेद जताया कि वे केलीबाग रोड के 2 करोड़ के प्रकल्प को पिछले 6 वर्ष में पूर्ण नहीं कर पाए हैं। अश्विनी मल्टी मॉडल प्रकल्प के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर होने की जानकारी देते हुए गडकरी ने कहा कि अब यह प्रकल्प रद्द किए जैसा ही है। उन्होंने पेड़ कटाई के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि अब पेड़ों के प्रत्यारोपण पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के पास द्वारका एक्सप्रेस वे तैयार करते वक्त हजारों पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया है। मेट्रो के इतिहास को विद्यार्थियों तक पहुँचाने का भी उन्होंने आवाहन किया। हे माझं शहर, हे माझं घर आहे। मी एकदा पालकमंत्री होतो आणि शुक्रवार तलाव मी चुकलो आणि एक दिवस मी चालला होतो, माझा ताप होता गाड्याचा, एक माणूस त्या रेलिंगवरून खाली मुतत होता। मी गाड्या थांबवल्या, त्याला म्हणे थांब, म्हणलं थांब गाड्या थांबव, मी गेलो आणि त्याच्या मागे खूप कसून लाभ मारली, त्याला त्याला पडलं खाली। म्हणलं तुला शरम नाही वाटत, तू त्या बोलतो तो पळाला, पण हे तुम्ही जर थांबवणार नाही, मी तलाव किती वेळा शुक्रवार तलाव शुद्ध करायचा आणि किती वेळा चांगला करायचा आणि हेच जर लोक करतील तर हा नागपूर कसं चांगलं होतं। ही जी ओनरशिप आहे ही आहे लोकांमध्ये आणि म्हणून त्या याच्यात जनतेचं सक्रिय सहयोग, समर्थन, सहभाग आणि सपोर्ट हा मिळाल्याशिवाय काही होणार नाही आणि म्हणून अशा प्रकल्पाची माहिती गेल्यावर तो सपोर्ट नक्की मिळेल असा विश्वास मला आहे। पुन्हा एकदा दोघांचं अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपूर।